केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार पीताम्बरा देवी के दर्शन किए। इस दौरान गडकरी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने उनसे पत्र लिखकर मंदिर परिसर के पास 2 किलोमीटर का ओवरब्रिज और पीताम्बरा देवी के उत्तर द्वार से हेलीपैड तक रोड निर्माण की जो मांग की थी, उन्होंने उस मांग को मंजूर कर लिया है। चुनावी साल चल रहा है और इस साल मध्य प्रदेश के विकास कार्य के लिए कई घोषणाएं की जा रही है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दतिया पहुंचे, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गडकरी ने पहले सपरिवार मां पीताम्बरा देवी के मंदिर पहुंचकर स्वस्ति वाचन के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जलाभिषेक किया। इस दौरान नितिन गडकरी द्वारा पीताम्बरा मंदिर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी गई। गडकरी ने कहा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुझे पत्र लिखकर पीताम्बरा मंदिर के सामने लगभग 2 किलोमीटर का ओवरब्रिज और मंदिर के उत्तर द्वार से हेलीपैड तक 5 किलोमीटर की रोड के निर्माण की मांग की थी और मैं गृह मंत्री की दोनों मांगों को मानता हूं और जल्द ही दिल्ली जाकर इसकी मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। नरोत्तम जी ने मुझे दो बातें पत्र लिखकर मांग की थी, एक तो यहाँ मंदिर के सामने एक ब्रिज बनाने की और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सर्विस रोड बनाने की। तो दोनों बातों को मैं मंजूर कर रहा हूं और जल्दी दिल्ली जाकर उसको मंजूरी देके इसका काम शुरू करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।